नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं अभिलाष थपलियाल शुरू करने जा रहा हूँ एक लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यह लेक्चर्स लाभदायक होंगे उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। यह एक फाउंडेशन लेक्चर है जिसमें आप इस विषय के बेसिक्स समझेंगे। बहुत ही बुनियादी बातें हम समझने जा रहे हैं इस पहले लेक्चर में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं शब्द का मतलब। जो शब्द है पॉलिटी, इसका वास्तव में मतलब क्या है? पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में पॉलिटी का मतलब क्या है? देखिए, पॉलिटी जो शब्द है ये हम जनरली डिफाइन करते हैं एनी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कोई भी लोगों का समूह, यानी एक जो सोसाइटी है, एक लोगों का समूह है, उसको हम पॉलिटी बोलते हैं। जनरली स्टेट को, कंट्री को या सिटी को भी हम पॉलिटी बोलते हैं। ये वर्ड जो ओरिजिनली डिराइव हुआ है, ये शब्द जो आया है, ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जो आपकी ग्रीस की लैंग्वेज है, जहां पर शब्द होता था पोलिस, ओरिजिनल वर्ड। और पोलिस का जो मतलब होता था, वो मतलब होता था वहां पे सिटी स्टेट, जो नगर गणराज्य होते थे, जैसे एथेंस था, ठीक है ना, या स्पार्टा था। तो ये जो शब्द, ये जो एथेंस, स्पार्टा, ये जो नगर गणराज्य थे, इनके लिए ही पोलिस बोला जाता था। यानी कि वहां के आप समझ लीजिए छोटे छोटे जो शहर हैं, उन्हीं को पोलिस बोला गया है। और जनरल अगर सेंस में देखे इसका मीनिंग, तो इसका मतलब होता है एक संगठित समाज, ठीक है ना, अ यूनिट, एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, यानी जिसमें कि समाज में क्या होगा, सरकार होगी, ठीक है ना। तो उसी को हम जनरल टर्म में, आज के टाइम पे हम स्टेट के साथ इसको रिलेट करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। यानी कि पॉलिटी को समझने के लिए हम स्टेट को समझेंगे आगे, यानी स्टेट टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आ रही है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था, हिंदी में इस पॉलिटी को बोलते हैं राजव्यवस्था। तो अब हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था की बात हो रही है, और पॉलिटी इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है, तो हम समझते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसी से हमारी पॉलिटी गवर्न होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वो देश का सबसे सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है, और उसी के द्वारा हमारी पॉलिटी गवर्न हो रही है। यानी उसी के द्वारा जितना भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टैब्लिश हो रखा है। भाई, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। हमारे लेजिस्लेचर में हम देखते हैं हमारे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेस हैं। उसी तरह एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में हमारी यूनियन गवर्नमेंट आती है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, और उसी तरह जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। तो ये सारा सिस्टम, इनका जो कार्य है, इनके जो फंक्शन है, इनके जो आपसी कोऑर्डिनेशन है, वो सारी चीजें जो हम स्टडी करते हैं एज होल, वो किस में करते हैं, हम पॉलिटी में स्टडी करते हैं। तो पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और जनरल स्पेसिफिक मतलब हम देखें पॉलिटी का, तो वो मतलब ही क्या होता है, स्टेट, यानी स्टेट के तौर पर या सिनोनिम के तौर पर भी हम स्टेट और पॉलिटी को यूज कर लेते हैं आपस में। अब हम समझते हैं राज्य यानी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट? राज्य एक राजनीतिक इकाई है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल यूनिट। हम जब बोलते हैं स्टेट को कि स्टेट क्या है, तो यहाँ पर हमारा स्टेट का मतलब जो हम इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, यहाँ पे इसका अर्थ इससे नहीं है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, तो जो स्टेट जो हम पॉलिटी में बात कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समझिए क्या है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल यूनिट, एक राजनीतिक इकाई है। राज्य क्या है, एक राजनीतिक इकाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी यानी समाज का, एक संगठित समाज। हम बोल सकते हैं एक संगठित समाज जो कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, और वो एक शासन के अधीन होता है। यानी क्या बोल सकते हैं, एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैविंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, दे रिसाइड इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दे आर गवर्न बाय अ गवर्नमेंट। और वो एक सरकार द्वारा शासित होते हैं, एक शासन से द्वारा वो शासित होते हैं। क्या मतलब है इसका, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, इंडिया, भारत, भारत एक राज्य है, इंडिया इज अ स्टेट, जिसका कि एक निश्चित भूभाग है, हम जानते हैं इंडिया की टेरिटरी, और उसमें एक आबादी यानी कि लोग जो हैं वो निवास करते हैं स्थायी तौर पर, जैसे कि हम भारत के लोग जो हैं भारत में निवास करते हैं, और हमारी एक सरकार है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जिसके द्वारा हम शासित होते हैं, ठीक
ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। जैसे इंडिया एक स्टेट है, वैसे ही हमारा जापान भी एक स्टेट है, और हम देखें चाइना भी एक स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। अब एक स्टेट के एलिमेंट्स जो हैं, कारक जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यानी कि स्टेट के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, और अगर इनमें से एक भी एलिमेंट अगर कम होगा तो फिर हमारा स्टेट जो है वो वास्तव में स्टेट नहीं बन पाएगा। यानी कि ये चारों के चारों एलिमेंट जब मिलते हैं, ये चारों के चारों जब घटक मिलेंगे तभी एक राज्य का निर्माण होता है। और इसमें पहला है टेरिटरी, यानी कि आपका क्षेत्र। आप देखिए भारत की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं भारत का, भारत एक राज्य है, तो भारत एक राज्य है तो भारत का एक निश्चित भूभाग भी है। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में तमिलनाडु तक, ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है। उसी प्रकार गुजरात से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो भी भारत का क्षेत्र है। तो जब हम बात करते हैं एक राज्य की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है कि उस राज्य की एक निश्चित सीमा होगी। तो वो टेरिटरी जो है, दैट इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। दूसरी बात होती है पॉपुलेशन की, यानी जनसंख्या। क्या बिना जनसंख्या के कोई राज्य हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत एक क्षेत्र तो भारत का है ही, लेकिन भारत में एक जनसंख्या, भारत के लोग, भारत की आबादी, वो क्या है, वहां की पॉपुलेशन, और जो स्थायी तौर पर वहां पे क्या करती है, निवास करती है। तो बिना पॉपुलेशन के और बिना टेरिटरी के कोई स्टेट नहीं हो सकता। स्टेट का मतलब आप समझिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देश की। क्या किसी देश को आप ऐसा समझ सकते हैं? अगर हमारे दिमाग में आ रही है बात, जैसे हमने सपोज बोला कोरिया, साउथ कोरिया, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, साउथ कोरिया एक कंट्री है। तो साउथ कोरिया कंट्री है तो उसकी एक टेरिटरी भी होगी, यानी उसका क्षेत्रफल होगा, और उसकी एक आबादी भी होगी, यानी वहां के जो लोग होंगे। तो जब टेरिटरी और पॉपुलेशन, ये दो घटक मिलते हैं, तो क्या राज्य बन जाता है या और भी कुछ चीज चाहिए? नहीं, अभी रुकिए, अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और चीज है। तीसरा जो घटक है, दैट इज गवर्नमेंट, यानी सरकार। अब हम बात कर रहे थे, अपने देश का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारी एक टेरिटरी भी हो गई, हमारी पॉपुलेशन भी हो गई, अब तीसरी चीज आती है गवर्नमेंट, यानी सरकार। क्या बिना सरकार के कोई भी राज्य, देश चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो एक सरकार का होना भी बहुत आवश्यक है। अब हमारे पास टेरिटरी भी हो गई, पॉपुलेशन भी हो गई, और गवर्नमेंट भी हो गई, तो क्या अब एक राज्य बन जाएगा? वास्तव में अभी भी राज्य नहीं बना। एक राज्य को बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। देखिए, आजादी से पहले जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, क्या उस वक्त हमारे पास टेरिटरी नहीं थी? हमारे पास टेरिटरी थी। तब तो जो पाकिस्तान, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, वो भी भारत का ही क्षेत्र था, और जो आज का बांग्लादेश है वो भी इंडिया की टेरिटरी थी, यानी कि इससे भी बड़ी टेरिटरी, जो आज का इंडिया है इससे भी बड़ी टेरिटरी थी। क्या पॉपुलेशन नहीं थी? तब भी पॉपुलेशन थी, तब भी लोग रहते थे। तब गवर्नमेंट नहीं थी, अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि वाइसराय के माध्यम से यहाँ पे रूल करती थी, वो गवर्नमेंट भी थी, यानी टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी। पर क्या इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट था? नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, सोवरेनिटी नहीं थी। यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है किसी स्टेट के लिए, दैट इज सोवरेनिटी। बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य अधूरा होता है, वो पूर्ण तरह से राज्य नहीं बन सकता। तो सोवरेनिटी होती क्या है, क्या मतलब होता है सोवरेनिटी का, संप्रभुता का? संप्रभुता अर्थात वो शक्ति जिसके माध्यम से कोई भी राज्य अपने आंतरिक निर्णय अपनी मर्जी से स्वतः ले सकता है और बाहरी निर्णय भी स्वतः ले सकता है। दैट मीन्स एनी स्टेट दैट कैन टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, हमारे इंडिया में आप जानते ही, हमारे प्रियम्बल में ही बात आती है, इंडिया जो हम बात करते हैं भारत की, तो हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें जो पहला टर्म आ रहा है, दैट इज सोवरेन संप्रभु। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने की बात करते हैं। तो संप्रभुता एक बहुत वास्तविक, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बुनियादी घटक है, यानी कि इससे पता लगता है कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है जो कि अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, हमें कोई भी कानून बनाना है, सपोज हमने अभी नागरिकता के ऊपर कानून बनाया, जिसको हमने बोला
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किसी दूसरे देश से पूछ के बनाया? कि हमने अमेरिका से पूछा कि भाई हम अपने नागरिक कानूनों में इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, या हम किसी दूसरे देश से पूछ के ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हमारी भारत सरकार खुद इस प्रकार का निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है, और वो जो देश के हित में है उस प्रकार से कानून बनाने के लिए पूरी तरह से जो है कंपेटेबल है। तो इसी को बोलते हैं सोवरेनिटी। और किस प्रकार से हमारे विदेशी संबंध होंगे? भारत के संबंध यूएसए से भी हैं, भारत के संबंध रशिया से भी हैं, चाइना से भी हैं, इसराइल से भी हैं, पैलेस्टीन से भी हैं। तो हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू मेक द रिलेशन विद अदर स्टेट्स। तो ये जो होती है, यानी कि सोवरेनिटी से क्या होता है, वी केम इन द कैपेसिटी टू मेक द फॉरन रिलेशन, वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन विद अदर स्टेट। तो ये सोवरेनिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आगे बढ़, अब देखिए वुड्रो विल्सन, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है। वुड्रो विल्सन ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है स्टेट का, उन्होंने बोला है स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। यानी राज्य क्या है, एक निश्चित भूभाग के अंदर, टेरिटरी यानी भूभाग यानी कि जो क्षेत्र है, एक निश्चित भूभाग के अंदर या उसके भीतर विधि के लिए सुव्यवस्थित या जो संगठित लोग हैं वही राज्य है। यानी वही बात जो हमने अभी पीछे पड़ी है, यानी कि वही सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक राज्य का निर्माण होता है, और उसी डेफिनेशन को ये बताया गया है। फिर बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल का नाम आपने सुना है, एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और राजनीतिक विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। हिंदी में इनका नाम अरस्तु बोला जाता है इनको। इन्होंने बोला स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिंग लाइफ बाय विच वी मीन अ हैप्पी ऑनरेबल एंड गुड लाइफ। यानी वही बात बोल रहे हैं कि राज्य क्या है, राज्य परिवारों और गांव का एक संघ है, यूनियन है, जिसका उद्देश्य क्या है, वो एक ऐसा परफेक्ट यानी कि एक ऐसा सुव्यवस्थित और बिल्कुल स्पष्ट जीवन जीना चाहता है, जहां पे उनके जीवन में आत्मनिर्भरता है और उनके जीवन में खुशहाली है, उनका जीवन सम्मान पूर्वक है, सम्मानजनक है, और जीवन उनका यानी लाइफ जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। देखिए अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक और एक आवश्यक संस्था कहा है। उनके अनुसार जो स्टेट है दैट इज अ नेचुरल एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अरस्तु ने बोला है कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य जो है एक सामाजिक और राजनीतिक जीव है। अ मैन कैन नॉट लिव अलोन बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मनुष्य अकेला जीवन नहीं व्यतीत कर सकता, वो अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो समाज का एक सदस्य है, समाज का हिस्सा है। एंड फॉर अ बेटर सोसाइटी स्टेट इज नेसेसरी। और एक बेहतर समाज के लिए राज्य की आवश्यकता है। देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं वो। मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक जीव है, ठीक है, और वो अकेला जीवन नहीं जी सकता क्योंकि वो समाज का एक सदस्य है, और एक बेहतर समाज के लिए राज्य की आवश्यकता है। और वो जो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, यानी वो जो संगठित समाज है, वही तो राज्य है, उसी को तो हम स्टेट बोल रहे हैं। तो ये डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि स्टेट वास्तव में क्या है और क्या वो समझते हैं इसके बारे में। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है एरिस्टोटल का, यानी कि अरस्तु का, जिनको पॉलिटिकल साइंस का पिता या जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स। तो इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यानी कि जो आज हम एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिक्स पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, और जो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो थिंकर्स हुए हैं उनमें जब हम बात करते हैं एंशंट वेस्टर्न फिलोसफर्स, उनमें एरिस्टोटल, इनके गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु जो थे यानी कि आपके सुकरात या सोक्रेटीज, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोक्रेटीज उनके शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, और आपको एक बात और बता दूं, एरिस्टोटल के शिष्य थे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। अब हमने बात की सबसे पहले पॉलिटी की, स्टेट की, और यहीं से ओरिजिनेट होता है पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था। क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम? अब जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी सरकार और राजनीति,
जो राज व्यवस्था है उसी के व्यवस्था को, उसी के तंत्र को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ पॉलिटी, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ इट। यानी कि एक राज व्यवस्था, उसके जितने भी अलग अलग संगठन हैं उनके कार्य और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन अर्थात उनके बीच में जो आपसी समन्वय है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बात करूं, जैसे कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये सब इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो फंक्शन है, दैट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इसके अंतर्गत जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स, देखिए क्या लिखा है, पॉलिटिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स व्हिच अप्रेंट द स्टेट्स ओरिजिनिटी ओवर अ टेरिटरी एंड पीपल। तो ये भी एक डेफिनेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतंत्र क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और हमें दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं आज या पहले रही हैं दुनिया में प्रचलित, उन्हीं में से जो पांच इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक है आपका मोनार्की आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो अब इन्हीं को थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं कि ये पांचों की पांचों जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या, कैसे कैसे ये कार्य करते हैं, वास्तव में ये है क्या। जब हम बात करते हैं मोनार्की, मोनार्की यानी राजशाही, बहुत पहले से आप जानते हैं राजशाही सबसे पुराना, बहुत पहले से चला आ रहा एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और इसमें क्या होता है, एक सरकार होती है इन विच ऑल एंड मोस्ट ऑफ द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क, जहां पर राजा या रानी के हाथ में ही राज्य की सारी शक्ति होती है। यानी एक राजा होगा या रानी होगी, जो भी होगा उसको मोनार्क बोलेंगे, और उसी के हाथ में पूरी शक्ति होती है, वही वहां पे रूल करता है। और ये जो मोनार्की है ये भी आज की स्थिति में आप देखें तो दो प्रकार की होती है, एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे कि सऊदी अरेबिया और ब्रुनेई में आपको देखने को मिलती है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब यहाँ पर जो किंग है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है लॉ फॉर्मेशन की, और वो अपने हिसाब से उस राज्य को, उस स्टेट को गवर्न करता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल हेड होता है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं होती, कोई विशेष शक्ति नहीं होती। जैसे हम देखते हैं ना ब्रिटेन में, ब्रिटेन में यानी यूके में और जापान में हम देखते हैं कि वहां पर जो किंग होते हैं, या ब्रिटेन में आप देख रहे हैं, यूके में वहां पे क्वीन होती हैं, तो वो क्वीन जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनके पास कोई पावर नहीं है। जबकि जितने भी जो डिसीजंस होते हैं, जो लॉ मेकिंग होती है, वो पार्लियामेंट द्वारा होती है। वहां प्राइम मिनिस्टर है, आप जानते हैं बोरिस जॉनसन इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, तो सिर्फ नाम मात्र के लिए क्या है, वहां पे क्वीन और किंग होते हैं, अदरवाइज वहां पर उनके पास कोई पावर नहीं होती। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जबकि एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे सऊदी अरब में आप देखते हैं, वहां पर जो किंग होते हैं दे आर पावरफुल एंड दे मेक लॉज, और वही कानून बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। अब हम बात करते हैं ऑटोक्रेसी की। अब देखिए नाम ही से पता लग रहा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स एक व्यक्ति का शासन, रूल बाय वन, यानी यहाँ पर जो पावर होती है वो सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, सारे डिसीजन वही व्यक्ति लेता है, सारे नियंत्रण जो है, सत्ता का पूरा नियंत्रण उसी के हाथों में है। हेयर पावर इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप का मतलब हो सकता है कि उसके असिस्टेंस के लिए, उसकी सहायता के लिए दो तीन लोग हों, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, उसी व्यक्ति के हाथ में होती है। जैसे हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, सारी पावर उन्हीं के हाथ में, वो एक ऑटोक्रेटिक रूल है, यानी कि वही व्यक्ति सारे निर्णय लेता है और वो जैसा चाहता है वैसा शासन चलाता है। उसी प्रकार हमें सीरिया में देखने को मिलता है। तो ये जो ऑटोक्रेसी का मतलब ही होता है, यानी रूल ऑफ वन या एक व्यक्ति का शासन, तो इसको याद रखिएगा ओलिगार्की, सॉरी ऑटोक्रेसी। इसके बाद आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब है इट इज द रूल ऑफ फ्यू। अब ऑटोक्रेसी में एक व्यक्ति का शासन था, जबकि ओलिगार्की में अब पावर जो है वो एक व्यक्ति से आगे बढ़ के कुछ लोगों के हाथ में, चार पांच छह जो लोग हैं उन लोगों के हाथ में है। यानी कि पावर अब एक व्यक्ति के हाथ से निकल गई है और चार पांच छह लोग आपसी सहमति से वो लोग मिलकर क्या है, डिसीजन लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब इट मीन्स अ स्मॉल ग्रुप एलाइट्स होल्ड्स द पावर, यानी कुछ लोग जो है, एलाइट लोग जो है उनके पास पावर होती है। हो सकता है वो कॉर्पोरेट
घराने से आते हो सकता है वो रिलीजियस पर्सनैलिटीज हो सकता है कि वो मिलिट्री के लोग हो जिन्होंने जो है कंट्रोल कर लिया हो पावर में, और वो 5-6 लोग हैं वही सारा डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, या वेल्दी जो लोग हैं वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी 1948 से 1994। फिर आपने देखा था कि नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में वहां पे आंदोलन हुआ और बाद में उसके बाद ट्रूली फॉर्म पे वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। तो ये यहां तक हमने समझा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की। एरिस्टोक्रेसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुलीन तंत्र, यानी कि यहाँ पर जो पावर होती है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है और वो कुछ लोग जो होते हैं वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, यानी प्रिविलेज्ड रूलिंग इसको हम बोलते हैं, यानी कि अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग का शासन होता है। यानी कि अभी हमने बात की थी ओलिगार्की पे, वहां पर भी हमने बोला कि शासन किसके हाथ में होता है, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ओलिगार्की को हिंदी में बोलते हैं अल्पतंत्र, यानी कुछ लोगों के पास, अल्प मतलब कम, कुछ लोगों के पास पावर होती है। एरिस्टोक्रेसी में भी पावर कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं ये लोग सामान्य लोग नहीं होते। ये लोग कौन होते हैं, ये कुलीन लोग होते हैं, यानी ये अभिजात वर्ग से आते हैं, नोबल्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, एरिस्टोक्रेट्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, ये वो लोग होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स, और इन्हीं के द्वारा जो सिस्टम चलता है उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ये भी बहुत सीमित लोग होते हैं और प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, इनको बोलते हैं कि ये लोग जो होते हैं शासन के लिए बहुत उपयुक्त है, ऐसा माना जाता है, यानी रूल ऑफ बेस्ट। जैसे हम मोनार्क में भी देखते हैं कि जो पावर होती है वो एक पीढ़ी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती है, तो एरिस्टोक्रेसी में जनरली ऐसा होता है कि पावर जो है उन लोगों से फिर अगली पीढ़ी में जो कि उसी परिवार या उसी कुल की होगी उसके पास पावर ट्रांसफर हो जाएगी। जबकि ऑलिगार्की थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलिगार्की में क्या है, इट इज अ रूल इन अ जेनेरिक वे, वो एक सामान्य तौर पर शासन है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर है। जैसे आप देखिए कोई वेल्दी लोग हो या कॉरपोरेट लोग हो या रिलीजियस जो पर्सनैलिटी है, या मान लीजिए मिलिट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिट्री है, मिलिट्री जैसे हम देखते हैं कई कंट्रीज में, हमने पाकिस्तान में देखा था कि कई बार वहां पे मिलिट्री रूल लगा, तो मिलिट्री रूल में क्या होता है, पावर जो है वो मिलिट्री के पास आ जाती है। अब मिलिट्री के पास आ जाती है तो हम ये नहीं बोल रहे कि एक ही व्यक्ति के पास आ गई, सपोज कि वो 5-6 लोग हैं जो कि सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा एक तंत्र हो गया, वो ऑलिगार्की हो गया, वेयर 5-6 पीपल आर टेकिंग डिसीजन फॉर द एंटायर नेशन और एंटायर कंट्री। वेयर एज इन एरिस्टोक्रेसी पावर एक फैमिली, सपोज एक फैमिली है, एक कॉर्पोरेट फैमिली है, या सपोज कोई नोबल लोग हैं, या प्रीस्ट, जैसे पहले टाइम पे प्रीस्ट या जो अपर क्लास लोग होते थे उन्हीं के पास मोस्टली डिसीजन मेकिंग पावर होती थी, तो वो लोग जो है वो डिसीजन ले रहे हैं कंट्री के लिए और फर्दर अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी तरह के तंत्र को क्या बोलते हैं हम, एरिस्टोक्रेसी। तो थोड़ा डिफरेंस है ओलिगार्की में, एरिस्टोक्रेसी में, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को उम्मीद है हम सभी ने कभी ना कभी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, आप भी जानते होंगे। डेमोक्रेसी क्या सिस्टम होता है, रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का शासन। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन, यानी यहाँ पे जो शासन है, जो पावर है, सत्ता की जो शक्ति है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। हेयर पावर बिलोंग्स टू पीपल। अब आप जानते हैं जैसे इंडिया, इंडिया को हम बोलते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएसए, फ्रांस, ये सारे देश कैसे हैं, डेमोक्रेटिक हैं। यानी कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वेस्टर्न वर्ल्ड से आप देखिए चलते चलते, अब मोस्टली जो कंट्रीज है आज वर्ल्ड की वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुकी है, यानी वहां पे लोकतंत्र को अपनाया गया है। और अभी अभी हमने ये देखा कि एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की क्या होती है, तो हम इसको सिंपल एक एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं, ओलिगार्की को हम बोल सकते हैं रूल ऑफ फ्यू, यानी कुछ लोगों का शासन, वहीं एरिस्टोक्रेसी को बोलते हैं रूल ऑफ बेस्ट, यानी कि जो बेस्ट लोग हैं, यानी जो बहुत विशेष लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, यानी कुलीन लोग हैं, उनका शासन। और डेमोक्रेसी को बोलते हैं रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का शासन। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि अगर कोई स्टेट ही नहीं है, यानी एक ऐसा समाज जिसकी कोई सरकार ही नहीं है, सोसाइटी विदाउट स्टेट, तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी। ऐसी सोसाइटी जिसकी स्टेट ही नहीं है, दैट विल बिकम एनार्की, यानी कि वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पर आ जाएगी अराजकता। अराजकता यानी एनार्की। एनार्की का मतलब क्या है, वहां पर लोग जो है खुद अपने हाथ में पूरा पावर ले लेंगे और उनकी जो मर्जी आएगी वो उस हिसाब से कार्य करेंगे, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह जाएगा, और इस तरह से वहां पे बहुत सारी समस्या खड़ी हो सकती है। तो बिना स्टेट के ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और अमूमन ऐसा कब होता है, मान लीजिए जब कोई किसी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को अप्रूव कर दिया जाता है या कोई कू हो जाता है, उसके बाद जो ट्रांजिशन फेस होता है, जब तक कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप नहीं होती, उस कंडीशन में वो जो बीच का फेज होता है, जो टाइम पीरियड, जो गैप रहता है, उसमें
ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं एनार्की। तो यहीं पर यह लेक्चर पूरा होता है। अगर आपको यह लेक्चर समझ आया तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस कहीं कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।